सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली मेरे बैक में देखिए ये क्या नज़ारा है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी हम आए हैं एक बड़ी तालाब है जहाँ पे मछली का बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मछुआरे मछली मार रहे हैं और बड़े बड़े यहाँ पे जाले हैं जिसको हम लोग नेटफ्लिक्सिंग जाल कहते हैं। बहुत बड़ी जाल है और बहुत सुंदर तरीके से मछली को मतलब बड़ी खंडों से मतलब मारा जा रहा है। और ये तालाब की आप साइज देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कितना बड़ा है, और यहाँ का बैकग्राउंड का स्क्रीन भी देख सकते हैं कितनी सुंदरता है। और ये हमारा जो छठ पूजा जो होता है यहाँ पे, वो भी वहाँ पे स्थापित है मूर्ति छोटा। बहुत सारे मूर्ति हैं जहाँ पे हमारे घर के और गांव के लोग छठ पूजा करते हैं। और यहाँ देखिए फाइनली ये जो जाली है, जिस भाई साहब ये जाली में देखिए मछली का थोड़ा वो है, मछली इसमें जिया के रखा गया है ताकि मछली पानी में रहेगी तो जीवित रहेगी, और जाल से ये बाहर निकाल रहे हैं। देखिए काफ़ी तादाद में और काफ़ी भारी मात्रा में ये मछली है जो कि भाई साहब से उठ नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भाई साहब बहुत बड़ी जाल लेके, चार पांच भाई साहब हैं जो कि मतलब जाल को इकट्ठा करके, और ये मछली जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे दोस्त फ्रेंड सोनू हैं क्योंकि इनके हाथों में देख रहे हैं कि ये देखिए कितनी बड़ी मछली है। ये इनका मिस मछली का नाम है तेलोपिया। एक्चुअली ये मछली बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अगर आप मछली लवर हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आप मछली मार सकेंगे और नया तरकीब भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली ये देखिए आप मेरे स्क्रीन पे आप लोग बने रहे, और मेरे बोलने का सिर्फ एक ही जरिया है कि ये देखिए मेरे बहुत सारे गांववासी हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब मछली मारा कैसे जाता है, इसको कैसे पकड़ते हैं, जाल कैसे बिछाते हैं, जाल को कैसे किस तरह से किस कंडीशन में किस कैसे क्या किया जाता है। और ये हमारे गांव के कुछ फ्रेंड है, ये चारों फ्रेंड है जिनका नाम है सोनू, मंटू, आदित्य और सोनू, जो कि ये लास्ट में जो सोनू ब्लैक कलर का टी शर्ट है, ये एक इंजीनियर है जो कि फ़िलहाल अभी गोवा से आए हैं ये होली बिताने के लिए आए हैं यहाँ पे। हो गया आज, हो गया पाँच मार्च, हो गया 8 मार्च को होली है। तो हम सभी दोस्त मिलके सोचे कि चलो एक ब्लॉग शूट करते हैं और मछली का वो करते हैं, वीडियोस वगैरह थोड़ा बनाते हैं और मछली खरीद के चलो इंजॉय करते हैं। सो फाइनली आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर बहुत अच्छे ये जो ब्यूटीफुल लोकेशन है, ब्यूटीफुल नज़ारा है, जो मेरे फ्रेंड्स बैक में खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फुल कर रहे हैं इस समय। और ये देखिए किस तरह से भाई साहब अपने जाल को किस तरीके से सजा रहे हैं ताकि फिर से पानी में डाला जाए और फिर से मछली अपने आप इसमें आके और फंस जाए, जिसको ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटा सा नाव है इस बड़ी तालाब के बीच में जिसके माध्यम से ये मछली पकड़ने का अपना काम बेखूबी से करते हैं। और इस तालाब की एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, ये तालाब बहुत गहरा है, लगभग 2 हाथी के बराबर ये गहराई है इसमें। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। और ये देखिए ये हम लोगों ने 1 केजी मछली खरीदा और हम लोग ले जा रहे हैं अब घर, और घर जाने के बाद क्या बताएं आपको, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है घर वालों का। तो देखते हैं, बने रहे वीडियो में, वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, उम्मीद करेंगे। और ये हम जा रहे हैं घर, ये देखिए हमारी बाइक लगी हुई है, एक्चुअली मेरा बाइक नहीं है, मेरे फ्रेंड का बाइक है जो देखिए मुझे मछली पकड़ा के और कुछ बाइक स्टार्ट करके चलने वाले हैं। और ये जो साथ में जा रहे हैं भाई साहब, ये इनका हमारे मार्केट में पानीपुरी का दुकान है जो कि बहुत अच्छे प्रचलित से दुकान है, और बहुत ज़्यादा इंजॉय आएगा इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक उद्देश्य और देना चाहता हूँ कि यार फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैंने जाते वक्त मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग्स और शूट करते हैं। ये देखिए कितने तादाद में ये मछली, मतलब तेलोपिया नाम है जिसका, इसमें कांटा होता है, बहुत तगड़ी कांटा होता है। ये हमारे कुछ गाँव के सदस्य हैं, लड़के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हैं इस मछली से और देख रहे हैं। और ये देखिए मछुआरे अपना जाल सजा के और भाई साहब फिर से मछली मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली ये सब ब्लॉग्स तो बनता ही रहता है, और हमारे ब्लॉग्स पे अब पर डे ब्लॉग्स आता है, तो प्लीज़ आप उसको जाइए वॉचिंग कीजिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं घर पे, और घर जाने का सिर्फ ये देखिए जो हम रास्ते पे जा रहे हैं जो ईंट का ये जो कच्ची रोड है वो भाई साहब मैंने पिछले ब्लॉग में बनाया था। ये कच्ची रोड हम लोगों ने बनाया था अपने हाथ से जिस पर हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारे गांव का मेन रोड है जो कि छपरा टू मोहम्मदपुर जाके मेल करता है। और ये हमारे मार्केट का छोटा सा एक दृश्य है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे हाईवे है, और हाईवे पे गाड़ियों की कतार तो इतनी है कि भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि घुसे कहाँ से निकालें, कहाँ से पासिंग लें और कहाँ से मतलब पास आउट करें। ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हमें थोड़ी सी दूरी पे ये मिला पास, तो हम लोग पास कर लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, वंदे मातरम एंड